ये गूगल हर प्रॉब्लम का सलूशन रखता है, एक बार ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। हे गाइस, माय नेम इज ब्रेन सिंह, वेलकम टू द ई लर्नर प्लेटफॉर्म। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूं कि हाउ डिड आई क्लियर दैट, लाइक हाउ डिड आई अचीव दैट 6 AIR इन गेट बायोटेक्नोलॉजी इन 2016। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हर किसी के अंदर एक कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। बट स्टिल यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने किया था मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट करके उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, जो अक्सर लोग करते हैं आजकल, जो सबसे ज़्यादा हो चुका है, दे आर पैरालाइजिंग देयर स्किल्स। ठीक है, ग्रुप में या अलग अलग जगहों पे यू आर जस्ट सीकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स, चाहे ग्रुप मेंबर्स का, चाहे टीचर्स का जगहों पे, तो वो उस टाइम पे नहीं होती थी, या उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नहीं करी थी। मैंने ऑलमोस्ट, मुझे एक महीना लगा था, 1.5 महीना गेट क्रैक करने में, और मैं फाइनल ईयर बीटेक फाइनल ईयर में क्रैक किया था। मुझे बहुत समय नहीं लगा था गेट को क्रैक करने में, बट 1 महीना क्रैक किया था, 1 महीना लगा था, और उस 1 महीने में मैंने पूरा अपना दिन रात लगा दिया था खुद को इम्प्रूव करने में। आजकल प्रॉब्लम यही होती है, आप किसी से भी इंटरेक्ट करिएगा, जो भी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो अक्सर खुद को इम्प्रूव करते हैं। सो खुद को ऊपर काम करने की अगर टेंडेंसी है आपके अंदर, अगर आप दूसरों से हेल्प तभी लेते हैं जब एकदम आपको लगता है कि अब मैं अपना पूरा बेस्ट दे चुका, मुझे इस क्वेश्चन में एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तब आप सही कर रहे हैं। अदरवाइज अक्सर लोगों को देखते हो तुरंत क्वेश्चंस को ग्रुप्स एंड इधर फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो उस तरीके से वो चीज़ों को कहते हैं ना कि सीख नहीं पा रहे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो उसी चीज़ पे ये चीज़ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ों के लिए मैंने क्या किया था, तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या किया था, टारगेट टेबल, ठीक है, ये जो टारगेट टेबल है, टारगेट टेबल के ऊपर मैंने काम किया था। टारगेट टेबल बनाओ, 1 महीने में क्या करना है आपको वो प्रिपेयर करो, क्योंकि जब हमारे पास एक गोल नहीं होता, हमारे पास एक टारगेट नहीं होता है ना, तो हम भटकते चले जाते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ टारगेट टेबल, आपको एक टारगेट टेबल बनाने की जरूरत है। इसके बाद वर्क ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आप देखिए अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करिए। अगर आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम नहीं करेंगे ना, तो दूसरों से प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो कभी भी आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो काम नहीं करेंगे। मैंने टारगेट टेबल बनाया था, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम किया, जितना सारा क्वेश्चंस मुझे मिल रहा था मैं उन क्वेश्चंस पे काम कर रहा था। इसके साथ मोर एंड मोर क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस दूसरे से सॉल्व करवाते हैं, मोर एंड मोर क्वेश्चंस का मतलब खुद से सॉल्व करना है, हेल्प लेनी है, गूगल की हेल्प लेनी है, बुक्स की हेल्प लेनी है, टीचर्स की, बट क्वेश्चन सॉल्व करवाने में नहीं, उनसे बस आइडिया लेना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, करना खुद है, कैलकुलेशंस खुद करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं, और खासकर गेट एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस जरूर होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग घर बैठ के कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस नहीं किए हो, दूसरे से पूछ लेते हो, सॉल्यूशन देखा, काम हो गया। ठीक है, सो दूसरे के भरोसे अगर अपना पेट भरने की कोशिश करोगे तो मुश्किल है। फोर्थ, जो लोग बीटी या एक्सेल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप बीटी के कर रहे हो तो भी एक्सेल के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और एक्सेल कर रहे हो तो बीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने कॉन्सेप्ट इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। लेस डिस्कशन एंड मोर स्टडीज, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ इस वक्त, ये मैं उस वक्त भी क्या करता था, ऑलमोस्ट 1 महीने तक कई लोगों को पता तक नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, जो लोग मुझे जानते तक नहीं थे। बहुत सोशल इंट्रैक्शन उस वक्त, तो इतना टेलीग्राम व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, होते थे, बहुत कम यूज़ होते थे, व्हाट्सएप चल रहा था उस वक्त, फेसबुक चल रहे थे, बट स्टिल ज़्यादातर मेरा जो काम होता था वो पढ़ाई में होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि हाँ भाई मतलब डिस्कशन करते रह जाओ, पढ़ने मत करो, सिर्फ और सिर्फ ये कर लो वो कर लो, ये क्या होगा, डेट कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, फलाना ढिंकाला, बस इसी में बिजी रहना। इन सब में फोकस करने के बजाय पढ़ाई में फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है 6th, फॉर्मूला रिविज़न, जितने भी न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं खासकर उनके लिए आपको फॉर्मूला रिवाइज़ करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला सीट बना लो,
और फॉर्मूला रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर फॉर्मूला रिवीजन नहीं कर रहे हो, फॉर्मूला को लिख के एक जगह पे नहीं कर रहे हो, तो दैट इज योर मिस्टेक एंड इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद जो मैंने किया था शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में की पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, दे आर फोकसिंग ऑन द की पॉइंट्स, और जब वो की पॉइंट्स पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। सो अक्सर क्या होता है कि इन एनी एग्जामिनेशन दे आर फोकसिंग ऑन द की वर्ड्स, यू हैव टू लर्न द की वर्ड्स, और अगर की वर्ड्स आपने सही से कर लिया तो किसी एग्जाम को कर लिया आपने क्रैक, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है डेली रिकॉलिंग, रिकॉलिंग करना, जैसा कि मैं आपको वीडियोज में बता चुका हूँ हाउ टू डू रिकॉलिंग। रिकॉलिंग करिए, रिविजन नहीं। कैसे, इसके लिए वीडियोज ऑलरेडी है, इस पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट में आपको सजेशंस भी मिल जाएगा कहाँ पे है, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ भी सकते हैं। सो दीज आर लाइक माई थिंग्स जो मैंने किया था, ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी, ठीक है, अपने प्रिपरेशन के लिए एक महीने के लिए। और क्या सोर्सेज फॉलो किए थे, अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट आर द सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे, सो गूगल, सबसे पहला गूगल बाबा की जय हो, गूगल बाबा की जय हो। पाथफाइंडर फॉर सम बेसिक्स, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इन सब चीज़ों के लिए पाथफाइंडर। दौरान एंड कार्गी फॉर बायो प्रोसेस एंड पी वाई क्यूज ऑफ बी टी एक्सेल एंड डी बी टी। एंड केमिस्ट्री के लिए अगर एक्सेल की बात करें तो एन सी आर टी यूज़ कर सकते हैं आप, एंड अदर्स एन सी आर टी यूज़ करिए, कुछ गूगल का सहारा लीजिए। जैसे मैंने बोला, कुछ भी हो तो गूगल बाबा की, ये गूगल हर प्रॉब्लम का सलूशन रखता है, एक बार ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि आपके ये सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, ये हमारी टारगेट, ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, ये मैंने काम किया था, तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को अभी भी बुक डाउनलोड्स करने हैं पीडीएफ, तो ये है जेड लाइब्रेरी b-ok.org पे आप जा सकते हैं, ठीक है, b-ok.org पे जाइए और इस लाइब्रेरी पे अपने कीवर्ड से सर्च करिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च करते ही आपका नीचे लिस्ट आ जाएगा, यू कैन डाउनलोड द थिंग्स, आप जेड लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर द बुक्स जो मैंने फॉलो करी थी, इसमें से दो बुक्स मैंने फॉलो नहीं करी थी, दो, ठीक है। पहला बायोटेक्नोलॉजी वाला बुक, जो ये बुक दिख रहा है आपको, ये वाला बुक आप देख रहे हैं, तो ये बुक मैंने फॉलो नहीं करी थी, और ये बुक भी मैंने फॉलो नहीं करी थी, ठीक है, ये बुक भी जो है मैंने फॉलो नहीं करी थी, कि ये इसको भी मैंने नहीं पढ़ा था। इसके बाद ये दोनों बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, ये मैं अपने आप से पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि लाइफ साइंस पार्ट वन पार्ट टू मेरे पास था, अगर जिसके पास नहीं है दे कैन फॉलो दिस बुक। उसके अलावा एमसीक्यू, दिस इज वन गुड बुक, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है, ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, खासकर गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, भाई फॉलो करो, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर लाइक मैथमेटिक्स, ये कर सकते हो अगर नहीं करना चाह रहे हो तो, अगर फ्री लर्नर हो तो के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपके लिए, ये है एप्टीट्यूड का बुक, सॉरी एप्टीट्यूड, ये प्रीवियस का, इसकी इस बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, कई लोग इस बुक पे पैसे वेस्ट करते हैं, बट देयर इज नो नीड ऑफ दिस बुक, व्हाई, बिकॉज यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल इन सारे बुक्स के ऊपर बात करूं, ये सारा का सारा जो बुक है ना, इसका कॉस्ट मिला लोगे तो ऑलमोस्ट 300-400 के मिनिमम बुक्स है, और लगभग आपके पास 2000 लग जाएगा, ठीक है। सो या तो आप 2000 का बुक खरीद के पढ़ो, या मैं ये नहीं कर रहा कि आप नहीं करना चाहिए, या मैं पाथफाइंडर के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन प्रीफर एज अ फ्री लर्नर। बस एक छोटी सी चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ फ्री लर्नर अगर 2000 आप इन बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 2500 लगभग अगर थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट करते हो 1000 और, तो आप ई लर्नर का क्रैश कोर्स कर लो, ये सब कुछ जो है आपको क्लासेस के फॉर्म में मिल जाएगा, जितना आपको इतने एक घंटे में, एक महीने में ये नहीं पढ़ पाओगे, एक महीने में इससे ज़्यादा आपको क्लासेस में मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इट्स योर चॉइस, या तो 2000 इनमें इन्वेस्ट करो, या तो 3000 आप क्लासेस पे ले सकते हो, रेस्ट इज़ योर चॉइस। ये नहीं कह रहा कि इसको नहीं लेना है, अगर जो फ्री लर्नर है, जो वीडियो नहीं लेना चाहता, जो कोर्स नहीं लेना चाहता, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसमें जो बुक्स फॉलो की थी, मैथमेटिक्स डेफिनेटली यू कैन फॉलो, एमसीक्यू फॉलो कर सकते हो, और ये सॉल्व पेपर्स भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, क्योंकि कई लोगों को होता है कि भैया हम पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, हम बुक से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपने टाइम पे जब मेट्रो में ट्रेवल करता था, मैं दिल्ली में तैयारी करता था, तो वहाँ पे मैं मेट्रो के टाइम पे ही अपने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करके रखा रहता था, और उसको मैं सॉल्व करता था। जब भी मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, जब भी मैं कोई भी काम कर रहा होता था, मैं रिकॉल करता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, मेट्रो में ट्रेवल करता था, मोबाइल निकाल लिया, क्वेश्चन देखा और सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये चीज़ें मैं करने की कोशिश करता था। सो इसके अलावा अल्टीमेट जो मैंने बताया, वाई डोंट लाइक, क्यों ज़रूरत नहीं है उन बुक्स को डाउनलोड करने की, बिकॉज दिस, गूगल बाबा की जय हो। देखो सर्च किया मैंने यहाँ पे, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
देख रहे हो, ये सर्च किया मैंने और लिस्ट देखो, ऐसे कई सारे रिसर्च जो है आपके पास आ जाएंगे और यू कैन डाउनलोड, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और सीधे सीधे काम भी कर सकते हो अपना, सीधा सीधा किसी भी वेबसाइट पे, आईटी दिल्ली का है, खड़गपुर का है, अलग का, रुड़की का है, जो भी है, सर्च किया, डाउनलोड किया और प्रिपेयर कर लिया, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। सो अल्टीमेटली आप अगर करना चाह रहे हो तो एक इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ करिएगा गाइस, टारगेट टेबल बनाइए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सके सॉल्व करो, एक्सेल और बीटी को फॉलो करो, लेस डिस्कशन मोर स्टडी पे फोकस करो, फॉर्मूला रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और डेली रिकॉलिंग करिए। ये 8 टिप्स आपको डेफिनेटली गेट 2021 को क्रैक करा सकते हैं। तो मैंने बताया कि मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने क्या चीज़ों को यूज़ किया था एज अ सोर्सेज और क्या मैंने एज अ ऑनलाइन यूज़ किया था, वो सब कुछ मैंने बता दिया। इट्स टोटली अप टू यू, आइदर यू फॉलो इट स्ट्रैटेजीज और यू कैन फॉलो योर स्ट्रैटेजीज, बट डेफिनेटली योर एजेंडा, योर पर्पज शुड बी क्लियर टू क्लियर द गेट 2021 एग्जामिनेशन। मैं हमेशा आप लोगों के लिए विश करूँगा कि आप लोग जितना मेहनत करते हैं उतना डिजर्व, जितना डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिले और आप गेट 2021 को ज़रूर क्रैक करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2021 एग्जामिनेशन। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि अगर आप गेट ई लर्नर पे आना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं गेट 2021 को, तो एक महीने में भी क्रैक कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने इसके जस्ट प्रीवियस में बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, CSIR को पाने में अब ना होगा लेट, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट, प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट, मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और इफिशियंटली, जिससे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे, लेट्स क्रैक इट।